आज आपको 3 दिन हो गए, आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं किसी की, आप इतनी जन सैलाब को लेकर, महिलाओं को लेकर यहाँ आई हैं, क्या आपकी सरकार से क्या बात हुई, क्या मांगों की फैसला सुनाया है उन्होंने? कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बुलाया गया था हम लोगों को, लेकिन माननीय मंत्री जी ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमसे ठीक से बात नहीं की। हमारा जो लेटर था उसको ले लिया और अपने सचिव जी को दे करके वो वहाँ से चल दिए, कहा हमारी कैबिनेट में बैठक है। उस वार्ता से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। आज हमें आश्वासन मिला है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र शाही जी को कि हमारी पीएमओ से वार्ता चल रही है और कुछ सकारात्मक सरकार हमारे लिए करने पर विचार कर रही है। यदि वो विचार करते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अन्यथा की स्थिति में अगर कुछ ऐसा न हुआ तो हमारे सामने मजबूरी है, जो भी पैसा हम लाए थे हमारा वेतन बंद कर दिया गया है, जो भी पैसे रुपए हमारे पास खाने पीने का सामान था वो खत्म हो गया है। हम दिल्ली के सड़कों पर भीख मांगने उतरेंगे, उससे अगर आपकी दिल्ली जाम होती है, कहीं कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, न कि शिक्षा मित्रों की। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अधिकारी ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर फालतू के लोग आए हुए हैं, तो मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर लोग आए हैं, सबके पास आईडी है, आप उस आईडी को चेक करा लीजिए। सरकार की बात में कितना सच है वो आपको पता लग जाएगा। हम किसी भी कीमत पर अपने हक को वापस पाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है ये, समान कार समान वेतन जो कि दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार समान कार समान वेतन का आदेश लागू कर दे। बाकी उनकी जो भी मांग है, जो भी सुप्रीम कोर्ट माननी के आदेश है, वो हम पालन करने के लिए तैयार हैं।